Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनके कुछ पार्ट शेडेड हैं, तो आपने इनके शेडेड पोर्शंस के फ्रैक्शन रिटर्न करने हैं. स्टूडेंट्स आपने जो फ्रैक्शन करने हैं इसका बहुत ही सिंपल वे है. सबसे पहले आप कलर्ड पार्ट को काउंट करें, उसके बाद टोटल पार्ट काउंट करें. जैसे कि ये पार्ट वन है, इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करते हैं 1 and 1 2, और टोटल पार्ट्स 2 के आगे 3 और ये 4. तो इस तरह से ये फ्रैक्शन हो गया 2/4. इसके बाद पार्ट सेकंड देखते हैं, इसमें हम कलर्ड पार्ट काउंट करें तो ये पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स हैं 9. इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 8/9. अब पार्ट 3 देखते हैं, इसमें कलर्ड पार्ट्स हैं 1 2 3 4, और टोटल पार्ट्स हैं 4 से आगे 5 6 7 8. इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 4/8. अब क्वेश्चन देखते हैं, यस इसमें कलर्ड पार्ट हैं 1 और टोटल पार्ट्स हैं 1, तो ये है ही है 2 3 4. इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 1/4. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5th, इसमें कलर्ड पार्ट्स हैं 1 2 3 और टोटल हैं 4 5 6 7. इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 3/7. नाउ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6, इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करते हैं, ये हैं 1 2 3, और टोटल पार्ट्स देखते हैं तो ये 4 और 4 8 और 4 12. इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 3/12. नेक्स्ट पार्ट 7, इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करते हैं, सारे ही पार्ट्स कलर्ड हैं, ये 10 पार्ट्स हैं और पूरे 10 कलर्ड हैं और टोटल भी 10 है, तो इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 10/10. नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8, इसमें कलर्ड पार्ट हैं 1 2 3 4 और टोटल पार्ट्स हैं 5 6 7 8 9, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 4/9. नेक्स्ट पार्ट, इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करें, ये हैं 1 2 3 4 और टोटल पार्ट्स हैं 5 6 7 8, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 4/8. नेक्स्ट 10, इसमें कलर्ड देखें, यह ओनली 1 है और टोटल पार्ट्स 2 हैं, इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 1/2. नाउ क्वेश्चन 2, कलर्ड द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स इसमें आपको पार्ट्स कलर्ड करने हैं जैसा कि आपको फ्रैक्शन दिया है. आपको दिए गए फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग इनके पार्ट्स कलर करने हैं. ये पार्ट 1 है, इसमें आपको फ्रैक्शन दिया है 1/6, तो आप इसमें से 1 पार्ट्स को कलर कर दें. सेकंड, इसमें भी आपको 1/4 दिया है, तो आप इसमें से 1 पार्ट्स को कलर कर दें. पार्ट 3, इसमें भी आपको 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, तो आप इसका 1 पार्ट कलर कर दें.
नेक्स्ट पार्ट इसमें आपको दिया गया है 3/4, तो आप इसके 3 पार्ट्स को कलर करें। और नेक्स्ट है 4/9, तो आप इसमें से 4 पार्ट्स कलर कर दें। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, इनके पास इनके फ्रैक्शन भी दिए गए हैं। आपने फाइंड करना है कि इन फिगर के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल राइट हैं या इनमें कोई एरर है। हम फर्स्ट वाला देखते हैं। इस फिगर के 2 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें से 1 कलर है, और आपको आंसर दिया गया है दिस इज 1/2। क्या यह 1/2 है? देखो आप, वैसे तो आप देखेंगे कि 2 पार्ट्स में से 1 कलर्ड है तो 1/2 होना चाहिए, बट जो कलर्ड और ब्लैंक पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें कलर्ड और ब्लैंक पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए यह फ्रैक्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें से 1 कलर्ड है, बट ये 4 पार्ट्स जो हैं इक्वल नहीं हैं, तो यह भी 1/4 फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें से 3 कलर किए गए हैं, बट इसके भी ये 4 पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, इसीलिए यह 3/4 फ्रैक्शन नहीं है। आंसर रिटर्न करें, शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस। क्वेश्चन 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि 1 डे का 8 आवर कितना फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। आप जानते हैं 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। रिटर्न करें, नंबर ऑफ आवर्स अ डे हैज इज इक्वल 24, नंबर ऑफ आवर्स वी हैव इज इक्वल 8 आवर्स, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल, ये हो जाएगा 8/24। आप इसे चाहें तो सॉर्ट कर लें, अप डाउन 8 से डिवाइड कर लें, तो यह हो जाएगा 8 1 टाइम 8, 8 3 टाइम 24, सो इट इज 1/3। मीन्स 8 आवर जो है 1 डे का 1/3 फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर इज 40 मिनट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि 40 मिनट 1 आवर का क्या फ्रैक्शन होगा। आप जानते हैं 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट, और आपको मिनट्स दिए गए हैं 40, फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट हो जाएगा 40/60। तो सबसे पहले आप 0 से 0 सॉर्ट कर लें, तो यह हो गया 4/6। इसके बाद इसे अप डाउन 2 से डिवाइड कर लें, तो यह हो गया 2/3। क्वेश्चन 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है आर्या, अभिमन्यु और विवेक तीनों ने लंच शेयर किया। आर्या के पास 2 सैंडविच थे अपने घर से लाए हुए, उनमें से 1 सैंडविच तो वेजिटेबल का बना हुआ था और 1 जैम का था। जो अदर 2 बॉयज हैं विवेक और अभिमन्यु, ये अपना लंच लाना भूल गए थे। आर्या एग्री हो गया अपना लंच शेयर करने के लिए। अब ये तीनों बच्चे इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच
लेते हैं। आपने बताना है पार्ट ए में, हाउ कैन आर्या डिवाइड ही सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपने सैंडविच को किस तरह से डिवाइड करे जो कि तीनों बच्चों को इक्वल शेयर मिले। पार्ट बी, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, और हर एक बच्चे को सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा। सॉल्व करते हैं। आर्या के पास सैंडविच है और वह इसके थी इक्वल पार्ट्स करेगा, तो इस तरह से हर एक को वन थर्ड पार्ट मिला। आंसर रिटर्न करें, आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल पार्ट्स। आर्या अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे जिससे हर एक बच्चे को इक्वल पार्ट्स मिले, तो आर्या अपने सैंडविच के थ्री पार्ट्स करें। आंसर रिटर्न करें, आर्या कैन डिवाइडेड हिज सैंडविच इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, सो ईच ऑफ देम विल गेट वन पार्ट। आर्या अपने सैंडविच के थ्री पार्ट्स करें और हर एक बच्चा एक एक पार्ट्स ले ले। पार्ट बी में आपसे आस्क किया गया है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, हर एक बच्चे को सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा। तो वन सैंडविच में से बच्चे को वन थर्ड पार्ट मिल रहा है, टू सैंडविच हैं, इस तरह से हर बच्चे को मिला टू इंटू वन बाई थ्री, मीन्स टू बाई थ्री। आंसर रिटर्न करें, ईच वन ऑफ देम विल रिसीव इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री इज इक्वल टू बाई थ्री पार्ट्स। क्वेश्चन सेवन, कंचन डाइस ड्रेसेस, शी हैड टू डाइस 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला जा रहा है कि कंचन ड्रेस डाइस का काम करती है, उसको 30 ड्रेसेज डाई करने हैं और उसने अब तक 20 ड्रेसेज फिनिश कर लिए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज शी फिनिश्ड, वह कितना फ्रैक्शन ड्रेसेज का फिनिश कर चुकी है। सॉल्व करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेज टू बी डाई इज इक्वल 30, नंबर ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड इज इक्वल 20, उसके पास डाई करने के लिए ड्रेसेज हैं 30 और उसने अब तक फिनिश कर ली हैं 20, देन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल 20/30, आप ओनली 0 से 0 शॉर्ट कर दो तो यह 2/3 पार्ट्स हो गया। क्वेश्चन 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में आपसे बोला जा रहा है आप 2 से लेकर के 12 तक नेचुरल नंबर सभी नोट कर लें, उसके बाद प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले आप 2 से लेकर के 12 तक नंबर नोट करें और उनमें से प्राइम नंबर्स को काउंट करें। सॉल्व करते हैं, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 12 आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से आप इन्हें काउंटिंग करें, यह नंबर होते हैं 11, काउंट कर लें 1, 2, 3 करके और यहाँ रिटर्न करें, गिवन नेचुरल नंबर आर 11। अब आपने प्राइम नंबर्स देखने हैं, इनमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं मेरे साथ काउंटिंग करो। फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया 2, सेकंड प्राइम नंबर 3, इसके बाद 5,
7 और 11। इस तरह से ये प्राइम नंबर हुए 5। यहाँ रिटर्न कर दें प्राइम नंबर्स इज इक्वल 5। अब इसका फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन इज इक्वल 5/11। क्वेश्चन 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप 102 से लेकर के 113 तक नेचुरल नंबर नोट कर लें। इसके बाद आपने बताना है कि प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपने 102 से 113 तक नेचुरल नंबर नोट करने हैं। रिटर्न करें, नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113 आर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। अब इन्हें टोटल करें, इनका टोटल होता है 12। रिटर्न करें, हियर्स टोटल नंबर्स इज इक्वल 12। अब इनमें से आप प्राइम नंबर देखें, ये प्राइम नंबर हैं 103, 107, 109 एंड 113। इनकी काउंटिंग करें, यह हो गया 4। आपने देखा कि यहाँ पर टोटल नंबर हैं 12 और इनमें से प्राइम नंबर हैं 4। तो इनका फ्रैक्शन करें, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल 4/12। 4/12 को 4 से अप डाउन डिवाइड कर लें, तो ये 4 वन टाइम 4 एंड 4 थ्री टाइम 12, फ्रैक्शन हो गया 1/3। क्वेश्चन 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सिस इन देम? स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि इस फिगर में जो एक्स लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इनका फ्रैक्शन क्या होगा। सॉल्व करें, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ सर्कल देखें तो यह 8 है, और नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग एक्स इन देम यह 4 है, तो इनका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हुआ 4/8। आप इसे 4 से डिवाइड करें तो यह 1/2 हो गया। क्वेश्चन 11, किरण रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट? स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला जा रहा है कि किरण को एक सीडी प्लेयर मिला उसके बर्थडे पर, उसने 3 सीडी तो मार्केट से खरीद लें और 5 सीडी उसे गिफ्ट में मिल गए। इसके बाद आपने बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, उसके टोटल सीडी का फ्रैक्शन क्या है, डिड शी बाय जो उसने खरीदी थी उसके साथ, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट और उसे गिफ्ट में मिली उन सीडीज का फ्रैक्शन क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सीडीज बॉट बाई हर फ्रॉम द मार्केट इज इक्वल ये 3 है, नंबर ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट इज इक्वल 5 है, टोटल नंबर ऑफ सीडीज इज इक्वल 3+5 इज इक्वल 8, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज बॉट उसने 3 बॉट की थी, 8 टोटल है, तो ये 3/8 हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ सीडीज गिफ्टेड उसे गिफ्ट में 5 मिली थी, टोटल 8 है, तो यह 8/5 हो गया। स्टूडेंट्स, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लग रही है, इसे लाइक और कमेंट के थ्रू आप हमको बताएं। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियोस को तो लाइक कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रही हैं, बट न तो आपने लाइक किया और न ही कोई कमेंट किया, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चों को पसंद नहीं आ रही।
यदि आपको रियली हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें।